फ्रेंड्स, आज मैं एक और नया वीडियो देगा, मतलब गियर बॉक्स का बारे में। मतलब गियर बॉक्स खोलने वाला, तो मतलब गियर बॉक्स रिपेयरिंग करने वाला वीडियो देगा अभी। और खुलने वाला वीडियो हम नहीं बनाया, अभी फिटिंग करने वाला वीडियो बनाएगा। इसकी जिससे के लिए इसका गियर का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, स्लिप नहीं था, सिर्फ बियरिंग, मतलब बियरिंग का साउंड था। हम बियरिंग चेंज करेगा अभी, दिखे तो बियरिंग दिखे। ये सोना वाला बियरिंग है, ये सोना वाला बियरिंग, ये साउंड था। ये नया वाला बियरिंग है। अभी बियरिंग फिटिंग करने वाला कैसा प्रोसेस है हम इस वीडियो में बताएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बोला बड़ा वाला बियरिंग लगे थे टॉप सब में, यहाँ पे इधर में मार्केट गया। ये अंदर तक घुस गया, यहाँ में लॉक लॉक रहता है, लॉक लगाएगा अभी। हाँ देखो फ्रेंड्स, ऐसा करके लॉक लगता है। ये हो गया तो सबका बियरिंग फिटिंग, ठीक है फ्रेंड्स। अभी काउंटर का बियरिंग दोनों फिटिंग करेगा ये नया वाला। फ्रेंड्स यहाँ पे दो बियरिंग लगता है, यहाँ से एक और यहाँ से एक। लेकिन क्या होता है, ये दोनों बियरिंग एक साथ फिटिंग कर लेने से ये हाउसिंग में, मतलब हाउसिंग में घुसाने में मतलब तुकलिंग होता है, मतलब घुस खु ठुकता नहीं है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो माथा का बियरिंग जो है ना, इसको पहले फिटिंग करके लेना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये लोग खाट वाला थोड़ा ऊपर में दीजिए, देख के ये इसको फिटिंग करके लीजिए, ठीक है। पकड़ो इसको, पकड़ो एक खाट में पकड़ो। यहाँ पे भी एक और लॉक लगेगा। एक हाथी पकड़ो, मारो हाथों मारो, आस्ते धीरे 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 मारो मारो मारो। फ्रेंड्स आप देख सकता है, मैं लॉक लगा के लिया, बियरिंग भी लगा के लिया। अभी हाउसिंग में फिटिंग करेगा इसको, दिखाओ। ए पी सी में रहेगा इसको, ऐसा करके देख सकता है ना, कैमरा ऊपर में उठाओ ना यार, ऐसा करके रुको, हम दिखा रहे हैं, रुको। इधर में दिखाओ, इधर में, इधर में, इधर में अच्छी तरह से देखो। जा रहा है ना, लॉक का जगह निकला कि नहीं देखो, तो ज्यादा आ गया, थोड़ा इसको मार देना पड़ेगा, रुको। फ्रेंड्स यहाँ पे लॉक लगता है एक, इसको अच्छी तरह से बिठा लेना। ये मारुति सुजुकी फरसा, फरसा नहीं कि इको, इको का गियर बॉक्स है। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, ये बियरिंग का प्रॉब्लम है, स्लिप भी नहीं है, मतलब पिनियम भी खराब नहीं हुआ। छोटा वाला स्क्रू लाओ तो एक जा रहा है, रुको अच्छा लग गया। हाँ अभी वेट किया इसको, अभी थोड़ा ऐसा मार दो, अभी यहाँ से लगेगा और एक बियरिंग, ठीक है फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स देखो यहाँ पे ऐसा पिकिंग देख ले लो, हम जैसा दिया है नहीं तो हाउसिंग टूटने का चांस रहता है गियरिंग ठुकने का समय में। अब देखो हम गियरिंग रहा है ना, देखो फ्रेंड्स लग गया अच्छी तरह से। इसका ऊपर में और एक पिनियम रहेगा, इधर दिखाए पिनियम, ये पेपर वाला नीचे में देना, ये प्लेन वाला ऐसा करके देना, ये खाद रहता है, खाद अच्छी तरह से मिला लेना। मिलाने के बाद इसका धीरे धीरे मारो, ये पूरा जम रहेगा करेगा। पेटी अच्छी तरह से, उसके ऊपर एक और पिनियम रहेगा, देख लेना अच्छी तरह से। तो हमें और एक लॉक लगता है, सिंह कहाँ है, पकड़ते लोग पकड़ते ग्रुप पकड़ो लोग। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये पूरा हो गया हम लोग का हाउसिंग में काउंटर फिटिंग कंप्लीट, देखा अच्छी तरह से। फ्रेंड्स ये काउंटर तो हम फिटिंग कर लिया है, अभी मेन शाफ्ट सिंकोनाइजर ये पिनियम अभी हाउसिंग में बैठाएगा। बैठाने से पहले आप एक काम कर सकते, एक काम कर करना पड़ता है, जो बियरिंग का लॉक है ना इसको बैठा लेना है अच्छी तरह से, इसमें बिठा ले लो तो बाद में दिक्कत देगा। देख सकता है ना अच्छी तरह से, दिखाओ फ्रेंड्स आसानी से बिक गया, न्यूट्रल पोजीशन है। छोटा बोला इसकी दौड़ दो, देखो अच्छी तरह से देखो, ये लोग लोग देख सकता है ना, ये अच्छी तरह से बैठना है, ध्यान देना है ये सब अच्छी तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। ये पूरे न्यूट्रल पोजीशन है, ये हो गया एक नंबर, ये हो गया एक नंबर, उसके बाद ये हो गया दो नंबर, उसके बाद ये हो गया तीन नंबर, और ये हो गया चार नंबर, उसके बाद पांच नंबर पीछे में रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हम पूरा हाउसिंग में बैठा लिया, मेन साहब काउंटर सेंसर पूरा परफेक्ट बैठा लिया। अब एक ये दूसरा ऊपर में ऊपर वाला हाउसिंग बिठाने में एक ध्यान देना चाहिए, ये सब सिंकोनाइजर न्यूट्रल होना चाहिए। देखो इसको पकड़ो, ये घुमाओ, ये न्यूट्रल पोजीशन है, उसके बाद इसको भी देखिए, ये जो फ्रॉक है सिंकोनाइजर का फ्रॉक रहता है, इसको ये थोड़ा पूरा परफेक्ट समान होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम अच्छी तरह से अभी दिखा देगा, आसानी से
इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इसको पकड़ो, इधर दिखाओ, घुमाने वाला दिखाओ, इधर 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 देख रहा है ना। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम इधर का बोल्ट लगाएगा। फ्रेंड्स हम पूरा हाउसिंग साउसिंग परफेक्ट करके टाइट कर दिया, बोल्ट लगा दिया, अभी हम लगाएगा तो कवर। इधर में सत्ता वाला होलसेल रहता है, इसको पूरा ध्यान देना चाहिए, अभी पूरा परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम टॉप कवर लगाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये टॉप कवर लगाने वाला हो गया। अभी इधर का मैं इधर का काम ख़त्म करके जाएगा, इसका रिलीज फिरिंग भी लगा देगा। रिलीज फिरिंग मतलब रिलीज फिरिंग लगाने का ये फोरक ट्रेन का, इसको पहले लगा लो, इसको खुलना पड़ता है 12 नंबर बोल्ट खुलने के लिए। 17 नंबर सॉकेट ला तो फ्रेंड्स ये लगा दिया हम। आप थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान देना है, इधर का अंदर में लॉक है, लॉक खाद दिया हुआ है, अच्छी तरह से बैठना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको फुल टेक करेगा। पकड़ो गियर बॉक्स, पकड़ो एक गियर बॉक्स, पकड़ो एक लाइट, पकड़ो और एक कैमरा पकड़ो। लगा दिया अभी इसका, तो अभी रिलीज पेरिंग फिटिंग करेगा। यहाँ पे दो होल दिया हुआ है, देखा अच्छी तरह से देख सकता है ना, जरूर तरह इस तरह दिया है, इस तरह ऐसा करके लॉक होगा ऐसा। छोटा बड़ा इसको दुबार लाओ, देखते रहता है तुम लोग ना। आप देख सकता है फ्रेंड्स ये दोनों लॉक हो गया अंदर में। उसके बाद इसमें थोड़ा ऑयल दे के ले लो, क्रिस्प हुआ ऑयल, यहाँ में थोड़ा सा ग्रीस डाल के ले लो, क्योंकि थोड़ा मतलब फ्री होना चाहिए, जाम होने से नहीं तो कलास्टिस और ख़राब हो जाएगा। इसमें एक इसको पुशिंग करना है, इसको भर लो, फिर रिलीज फिटिंग लगाएगा हम। लगाने के प्रोसेस कैसा है दिखाएगा अभी, थोड़ा इधर में लॉक रहता है, इसको थोड़ा पुशिंग करना पड़ता है, देख सकते हैं अच्छी तरह से, इसको पुशिंग कर दो, उसके बाद देखो लॉक हो गया, अच्छी तरह से लॉक नहीं हुआ। देखो ऐसा सब कलर्स मरेगा तब ऐसा आना रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 5 नंबर का काउंटर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप है, ये पिन दिया हुआ है, अच्छी तरह से दिखाई, इसको अच्छी तरह से ऐसा करके ग्रुप में बिठा दीजिए। फ्रेंड्स हो गया, कंप्लीट हो गया, अभी पीछे वाला हाउसिंग बिठाएगा हम। अभी क्या इधर डार्क काटे दीदी, हेलो हाँ फ्रेंड्स पूरा गियर बॉक्स कंप्लीट हो गया, अभी हम लगाना है टॉप कवर, टॉप कवर लगा के गियर लगा के देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी टॉप कवर लगा रहे हम। ठीक है फ्रेंड्स, टॉप कवर लगा दिया, टॉप कवर लगाने से एक सीज ध्यान देना पड़ता है, इधर का होल, यह का होल थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ये होल। ठीक है फ्रेंड्स, कभी हमें फूल लगेगा सब वाला,
गया हम लोग का गियर बॉक्स कंप्लीट। गियर बॉक्स का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, स्लिप भी नहीं था, सिर्फ शाम था, बियरिंग चेंज कर दिया, एक्सचेंज कर दिया हमने तीनों बियरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये हॉल गियर बॉक्स, ये मारुति सुजुकी इको का है। अच्छा लगने से लाइक करिए, और अच्छा नहीं लगने से तो आपका मर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में।